सो हेलो एंड वेलकम बैक गेमर्स। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं फाइव नाइट्स एट कैंडीज 3 पार्ट 2। तो हम लोग नाइटमेयर और रियलिटी के बीच में फंस चुके हैं, हमें नहीं पता कौन सा चीज़ सही है कौन सा चीज़ गलत है। ऊपर से कुछ मॉन्स्टर्स जो है हमें शांति से जीने नहीं दे रहे, तो हमें इस गेम को ख़त्म करना पड़ेगा इस गेम के स्टोरी को जानने के लिए और इस जगह से निकलने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर है मैरी जो कि एक छोटी सी बच्ची है। हम लोग वापस से ड्रीम स्पेस में जा चुके हैं और यहाँ पर एक दो चीज़ें नए आ चुके हैं आई थिंक, मतलब एक चीज़। सो हाउ डिड इट गो, यू मैनेज टू बीट देम ऑसम जॉब, पर हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ा था। वेट, वॉज इट ओनली द मॉन्स्टर रैट, आई थॉट देयर वुड बी मोर, फ्यू, पर आई डोंट थिंक कि अकेला है वो। डोंट सेलिब्रेट येट, दोज मॉन्स्टर आर वेरी प्रिसिस्टेंट, ही विल प्रोबेबली कम बैक स्ट्रॉन्गर, नहीं बिल्कुल नहीं, ओ माई गॉड, बट डोंट बी स्केयर्ड, रिमेंबर द स्ट्रैटेजी फ्रॉम लास्ट नाइट, वो बहुत ही फालतू का स्ट्रैटेजी था। Then everything should be fine. You already have your stuff. So, if you want to, you can skip the dreams, deep space. Sorry. एंड गो टू स्लीप राइट अवे। तो हम लोग डीप स्पेस में जाके देखते हैं शायद वहाँ पर कुछ है। देयर स्टिल स्टफ आउट देयर टू बी डिस्कवर्ड, मुझे पता है। इफ़ यू फील लाइक प्लेइंग डिटेक्टिव दैट्स इट, तो ठीक है हम लोग अभी डीप स्पेस में चल के देखते हैं शायद यहाँ पर हमें कुछ मिल सकता है, कोई डिटेल्स इस गेम में क्या चल रहा है उसके, क्योंकि हम लोग बस मतलब ये जगह बस ऐसे ही नहीं है। तो ये रास्ता जो है चेंज हो चुका है, अब हमें देखना पड़ेगा ये रास्ता हमें कहाँ तक ले जाता है। यहाँ पर बेसिकली हमें अपना म्यूजिक प्लेयर चाहिए था जो कि अब हमारे पास है, तो यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा है नहीं, पर ऐसा कभी हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ हमें मिलेगा इस जगह से। कंटिन्यू नॉर्थ टू रीच योर पाथ, तो हमें नॉर्थ में जाना पड़ेगा अपने जगह को पहुंचने में। पता नहीं मैं कहां पर जाना चाहता हूं, पर नॉर्थ में कुछ है नहीं, हम लोगों को बस शायद इस जगह से नॉर्थ में जाना था, मतलब ऊपर जो रास्ता था। नॉर्थ मेरे लेफ्ट साइड में है आई थिंक, मैं जहां पर बैठा हुआ हूँ ये मैं कहना चाहता था। डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग स्लाइटली ऑफ द पाथ, स्टेप टू फार अवे फ्रॉम द पाथ, हाउ एवर, ये मैं पहले सुन चुका हूँ आई थिंक, एंड दैट इज़ व्हेन यू शुड बी अफ्रेड। तो हम लोग अगर रास्ते में है तो कोई हमें कुछ नहीं कर सकता, पर रास्ते से निकलने के बाद शायद कोई हमें कुछ कर सकता है, मुझे नहीं पता कौन हमारा क्या भी कर सकता है और मैं वो देखना भी नहीं चाहता। तो ड्रीम स्पेस में मुझे कुछ खास मिला नहीं। बीवेयर ऑफ द शैडो, स्टे ऑन द पाथ, मुझे पता है स्टे ऑन द पाथ मतलब क्या होता है और मैं वही कर रहा हूँ। अब यह पर तो मुझे कुछ खास मिला नहीं, तो इसलिए मैं अभी लौट रहा हूँ अपने जो है घर में, डीप स्पेस में। डीप स्पेस और ड्रीम स्पेस दोनों अलग चीज़ है। माई ओल्ड ड्रेसर, तो ये ड्रेसर पहले यहाँ पर नहीं था, अब अचानक से यहाँ पर पता नहीं कैसे आ गया। अब हमें सोने जाना पड़ेगा, वहाँ से शुरू होता है हमारा एक्चुअल नाइटमेयर। आई होप कि हम लोग इस बार सर्वाइव कर लेंगे द सेकेंड नाइट, मतलब यहाँ पर जो एनिमेट्रॉनिक्स है वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव होने वाले हैं। ऊपर से मुझे नहीं पता कितने एनिमेट्रॉनिक्स है, एक रैट है जो कि कैंगरू जैसा दिखता है, उसके अलावा कोई है या नहीं मुझे नहीं पता। यह से शुरू होता है हमारा ओरिजिनल गेम, इट शुड बी फन एक्चुअली नॉट। तो हम लोग गेम में आ चुके हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग म्यूजिक को प्ले करते हैं जिससे हमारा नाइट जल्दी स्पेंड होगा। पिछले वाला वीडियो जो है बहुत लंबा बन चुका था इसलिए, क्योंकि मैंने उस म्यूजिक प्लेयर को प्ले नहीं किया था। ठीक है, देखते हैं कहाँ से वो आता है। इस घर में तीनों दरवाजे हैं, मतलब दो दरवाजे एक क्लोसेट, इस किसी भी चीज़ में वो आ सकता है। हम लोग इस बेड से हिल नहीं सकते, मतलब हम लोग इस बेड में डर से फ्रीज हो चुके हैं। अब देखते हैं कहाँ से वो आता है, अभी तक तो मुझे वो दिखा नहीं। और ऊपर से जो है 12 बज चुके हैं, मतलब ये नाइट जो है बहुत लंबा होता है। ओके, कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा था, देखा, मतलब ये क्लोसेट पे नॉक कर रहा था, मतलब इतना रियलिस्टिक नॉक है कि मुझे लगा मेरे दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है। ठीक है, डरने का कोई बात है नहीं, ऊपर से मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ तो डरने का थोड़ा बहुत बात है। मैं ऊपर से घर में अकेला नहीं हूँ, पर फिर भी इस रूम में मैं अकेला हूँ तो डरने का थोड़ा सा बात है अगर कोई नॉक करता है दरवाजे में। तो फिर से ये क्लोसेट में है आई थिंक, ये क्लोसेट में मतलब फंस चुका है, हमें इसे क्लोसेट से निकलने से रोकना पड़ेगा। तो हम लोग इस टेप को रिवाइंड कर लेते हैं, एक बार टेप को प्ले करने के बाद हमें एक बार रिवाइंड करना पड़ता है ताकि हम लोग वापस से एक बार प्ले कर सके। तो रिवाइंड के टाइम पे आई डोंट थिंक कि टाइम जल्दी स्पेंड होता है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा हमें केयरफुल खेलना पड़ेगा। आई थिंक कि वो अभी भी अपने क्लोसेट में है, हाँ यहाँ पर यह है, छुपा हुआ है, पर ये निकल नहीं पा रहा है क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी काम कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे जो है इस म्यूजिक बॉक्स को प्ले करना था। ठीक है, हम लोगों ने प्ले कर दिया, अब कुछ टाइम के लिए हम लोग वापस से सेफ है। और जो भी अजीब अजीब से नॉइसेस आ रहे हैं प्लीज़ इग्नोर कर दो, मेरे पीछे जो है बैकग्राउंड में कुछ लोग काम कर रहे हैं, रात का टाइम है फिर भी, मतलब जो है बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ऐसा म्यूज़िक आना थोड़ा सा तय है। तो हम लोग अभी गेम पे फोकस करते हैं। एक घर में हम लोग ट्रैप हो चुके हैं बहुत सारे टॉयज़ के साथ और एक मॉन्स्टर के साथ जो कि हमें मारना चाहता है आई थिंक।
पार्ट वन और टू में पता नहीं क्या हुआ था, पर पार्ट थ्री बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है जो ये मॉन्स्टर है, ये शायद हमें पहचानता है पार्ट वन और टू से। और सबसे अजीब बात है, हम लोग अभी सो रहे हैं, बेड में हम लोग आए थे, उसके बाद ये सब शुरू हो रहा है। एक्चुअली मुझे नहीं पता वो ओरिगैमी कैट क्या है, ओरिगैमी मतलब कागज़ से बनाया हुआ चीज़, पर वो एक्चुअली है या कहीं पर और है मुझे नहीं पता। इस गेम का स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अजीब यूनिक है, ड्रीम कब है और रियलिटी कब है मुझे नहीं पता। दिन में हम लोग जो है एक कैंगरू मॉन्स्टर के साथ खेलते हैं, हम लोग एक थिएटर के पास है, मुझे नहीं पता थिएटर क्या चीज़ है, पर फिर भी हम लोग एक स्टेज के पास हर दिन जाते हैं, मतलब पिछले वाले वीडियो में हम लोग गए थे। ओ माय गॉड, कोई नॉक कर रहा है दरवाजे पे, पर लेफ्ट साइड में तो कोई है नहीं। एक सेकेंड, ओ माय गॉड, ये लेफ्ट साइड में नॉक करके राइट साइड में क्यों आ गया मुझे नहीं पता, पर फिर भी हम लोग इसे मैनेज कर लेंगे। ये कैंगरू मॉन्स्टर जो है उस जगह से निकल चुका है, लेफ्ट साइड में ये नॉक कर रहा था तो मैं लेफ्ट साइड में देखने में बिजी था। पर एनीवेज, तो ये शायद हमारे बेड के अंदर फिर से चला जा चुका है, जल्दी से हमें देखना पड़ेगा, हमारा ब्लड लॉस हो रहा है। ओके ऑलराइट, अब हमें पीछे मुड़ना पड़ेगा पैनिक ना करके, अब बस सुनो। यस, ये निकल रहा है आई थिंक। ओके, तो ये सबसे मुश्किल टाइम होता है जब हमें सुनना पड़ता है ये कब बेड से निकल रहा है, और ये बहुत ही गंदा बात है, मतलब लेफ्ट में साउंड करके नॉक करके ये राइट में आ गया, तो ये भी शायद थोड़ा सा स्मार्ट है, इसका एआई भी थोड़ा सा स्मार्ट हो चुका है। अब ये दरवाजे से बाहर निकल चुका है, मतलब ये शायद दरवाजे से वापस अंदर आने की कोशिश करेगा, अनलेस ये टेलीपोर्ट करना नहीं जानता। आई डोंट थिंक ये टेलीपोर्ट कर सकता है। एक सेकेंड, कौन है ये? देखो ये डायरेक्टली इस साइड में आ चुका है, आई थिंक ये घर कनेक्टेड है, मतलब घर के बैकग्राउंड से सब कुछ कनेक्टेड है। ऊपर से जो नॉक का साउंड है ये एक्चुअली उस डायरेक्शन से नहीं आता जहाँ से ये साउंड आ रहा है, तो मुझे पता नहीं कहाँ से, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा। ओके, तो कोई नॉक कर रहा है आई थिंक, पर पता नहीं कहाँ से नॉक कर रहा है, मुझे एक्चुअली दिख भी नहीं रहा, शायद क्लोसेट के अंदर से नहीं, दरवाजे से। तो ये दरवाजे से वहाँ पर बहुत जल्दी पहुँच गया, आई डोंट थिंक कि ये एक है, या फिर हम लोग हेलुसिनेट कर रहे हैं कि एक ही है, हम लोग दो तीन देख रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये हमें मार देता है या और कुछ करता है, कोई मुझे बचाने वाला है भी नहीं, हम लोग बस एक लाइट और एक म्यूज़िक प्लेयर से इस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे हैं। देखो एक बार, ठीक है, हम लोग अपने म्यूज़िक प्लेयर को वापस से सही कर लेते हैं, फिर से हमें रिवाइंड करना पड़ेगा ताकि हम लोग फिर से इस म्यूज़िक प्लेयर को प्ले कर सके। रिवाइंड करने के बाद ही हम लोग इसे प्ले कर सकते हैं, रिवाइंड करने के टाइम मतलब बेकार में टाइम वेस्ट होता है, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास वेपन के नाम पे कुछ नहीं है, बस एक लाइट है जिससे हम लोग अपने डर को भगा सकते हैं। पर ओके, ओ माय गॉड, ये मैं रेडी नहीं था। ठीक है, इसका मुंह हिलाने का स्पीड बहुत जल्दी मतलब फास्ट हो चुका है, हमें शायद इसके मुंह को लाइट से फ्लैश करना पड़ेगा जितना जल्दी हम लोग कर सकते हैं। जा भाई, हाँ ये अपने बेड के नीचे जा चुका है हमारे, देखते हैं कहाँ पर है। ठीक है, नो पैनिक, हम लोग अभी सेफ है। आया, यस, निकल रहा है, ये वापस से निकल चुका है। हाँ ठीक, अब चला जा चुका है, तीन बज चुके हैं, अब थोड़ा सा और हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, नाइट वन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, नाइट टू भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक बात मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो हम लोग लाइट से भागाते हैं ये भागना नहीं चाहता, ये हमारे बेड के अंदर छुप जाता है ताकि हम लोगों को मार सके, मतलब ये बहुत ही एग्रेसिव है और मेरे पीछे बहुत हाथ धो के पड़ गया है। मुझे नहीं पता ये इसके अंदर कौन सा स्पिरिट है या क्या है इसके अंदर जो कि मेरे पीछे ऐसा पड़ चुका है। पास्ट में कुछ तो हुआ होगा जिससे ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है, मुझे मारना चाहता है, वरना ये ऐसे ही हमारे पीछे नहीं पड़ सकता। या फिर किसी तरह का कर्स्ड टॉय है या कुछ है हमारे पास जो कि ये चाहता है, पर इतना आसानी से ये गेम ख़त्म नहीं होने वाला। तो ये बेसिकली एक रोबोट टाइप का एनिमेट्रॉनिक्स है जिसके अंदर शायद किसी का आत्मा है, पर बहुत ही डेंजरस चीज़ है जो कि हमें लेने आया है। फाइव नाइट्स एट फ्रेडी के स्टोरी से इस स्टोरी को हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक स्टोरी में एक कैरेक्टर होता था जो कि बहुत ही स्पेशल होता था, जिसे मारने के लिए सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे, और हम लोग बेसिकली फाइव नाइट्स एट फ्रेडी में उस पिज़्ज़ेरिया में जाते थे जहाँ पर वो एनिमेट्रॉनिक्स रहते थे। और ये जो चीज़ है ये हमारे घर में आया है फाइव नाइट्स एट फ्रेडी 4 की तरह, और पूरे फाइव नाइट्स एट फ्रेडी के इंसिडेंट के मतलब फाइव नाइट्स एट फ्रेडी 4 के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग कोमा में थे, और इस टाइम हम लोग कोमा में नहीं है, हम लोग रियलिटी में है और ड्रीम के बीच में फंस चुके हैं। और एक मॉन्स्टर जो कि हमें शांति से जीने नहीं देता, आई थिंक कि एक मॉन्स्टर नहीं है और भी मॉन्स्टर है जो कि बाद वाले नाइट में आने वाले हैं। तो और एक बात गाइस, अगर आप लोग इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, हम लोग 2000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है। ये मॉन्स्टर तो क्लोसेट में छुप चुका है कुछ टाइम के लिए, हम लोग अभी सेफ है, ये क्लोसेट से जब तक निकलता है तब तक हमें साइड में भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्लोसेट से डायरेक्टली कब कहाँ पर टेलीपोर्ट करके पहुँच जाए, तो कुछ कह नहीं सकते हम लोग। कहीं पर से नॉक कर रहा है आई थिंक, ओ माय गॉड मैं लेट हो रहा हूँ, कहाँ पर, ओ नो, हाँ ये दरवाजे से नॉक कर रहा था। ठीक है, अब हमें इसे मैनेज करना पड़ेगा जैसे हम लोग करते आए हैं। ये बचने की कोशिश कर रहा है, फिर से हमारे बेड के अंदर जा चुका है,
देखते हैं कहाँ पर है। ओके ठीक है, यहाँ पर ही है, तो हमें वापस से वही करना पड़ेगा जैसा हम लोग करते आए हैं। ठीक है, ये निकल चुका है। एक बार सोच के देखो, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि हमें रात में देखता है जब हम लोग सो रहे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्केयरी स्टोरी है। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हॉरर गेम्स खेलता हूँ, इसलिए मुझे वो ज़्यादा फील नहीं हो रहा, पर जो लोग नहीं खेलते उनके लिए बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। यदि सोने के टाइम पर सब लोग अपने बेड के नीचे चेक करके सोना, ये बहुत अच्छा एडवाइस है, मतलब डीमन से हमें बचा लेगा। फिर से कोई हमारे दरवाजे पर नॉक कर रहा है। ठीक है, क्लोसेट में था, मैं बच गया। अगर दरवाजे पर होता तो वो इतने टाइम तक घर में आ चुका होता। और पता नहीं सब कुछ बच्चों के साथ ही क्यों होता है, जिन बच्चों के पेरेंट्स उनकी बातों को नहीं मानते। एक बच्चा अपने पेरेंट्स से कह रहा है कि घर में कोई आता है हर रात, तो उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सच में कोई आता है और वो लोग मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्केयरी स्टोरी है मिस्टर हॉब्स प्ले हाउस के जैसे, तो हम लोग उस बारे में नहीं जाते, गेम पर फोकस करते हैं। और ये जो मैडी है, मुझे नहीं पता इसके पेरेंट्स के साथ हुआ क्या, हम लोगों ने उन्हें कभी नहीं देखा। और एक केयर टेकर है जो कि हमारा ख्याल रखता है, आई थिंक कहाँ से नॉक कर रहा था वो। ओके एक सेकेंड, हेलो, तो ठीक है, यहाँ से नॉक कर रहा था। एक बार उस ओरिगेमी कैट ने कहा था हम लोग अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए थे, बिछड़ने के बाद ये शायद हमारे पीछे पड़ चुका है। मुझे फर्स्ट गेम को और सेकेंड गेम को खेलना चाहिए था इन सब आंसर्स के लिए, बट एनीवेज हम लोग आंसर को ढूंढ लेंगे। पता नहीं कहाँ से नॉक कर रहा है। तो हम लोगों ने 6 बजे तक सर्वाइव कर लिया, बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने इस नाइट को सर्वाइव कर लिया। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। देखते हैं मिनी गेम में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं चला। एक्चुअली फिर से हमारा स्क्रीन ऐसा हो चुका है, स्टैटिक हो रहा है। हम लोग वापस से घर में आ चुके हैं, उसी घर में। माई पेरेंट्स ड्रैग्ड मी ओवर हियर विथ माई लिटिल सिस्टर, पर क्यों? बट आई वुड रैदर बी ऑन माई बाइक विथ माई फ्रेंड्स। तो ये बाइक को चलाना जानता है, आई थिंक ये मुझसे उम्र में बड़ा है, पर फिर भी हम लोग अब यहाँ से चलते हैं। ये स्टेज देखा आप लोगों ने? हाय, डिड यू लाइक द शो यस्टरडे? आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट। तो ये सब दिन में शो देखते हैं। इट वॉज फनी व्हेन द कैट कुडंट गेट डाउन फ्रॉम द ट्री। तो कैट पता नहीं कहाँ से आ गया। एंड आई रियली लाइक द एंडिंग, इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। दिन में ऐसा होता है, रात में कुछ अलग ही एंडिंग हमें देखने को मिलता है। इस स्टेज में हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इस स्टेज में शायद किसी तरह का शो होता है। ये देखो, ये फिर से वो रैट आ गया हमारे सामने। हेलो देयर, आई एम द कैट। ये कैट है, ओके कुछ अलग है ये। डू यू लाइक टू प्ले गेम्स? आई नो यू डू, आई नो आई डू। ओके, वी हैव ए कपल ऑफ मिनट्स बिफोर टूडेज शो स्टार्ट्स। हर दिन एक शो होता है आई थिंक। डू यू वॉन्ट टू प्ले हाइड एंड सीक विथ मी? तो हाइड एंड सीक खेलने पर ये मुझे ढूंढ लेगा। ये यू हाइड देन आई विल काउंट। तो दिन में ऐसे गेम्स खेलने के बाद रात में हमें नाइट मेयर्स आते हैं, नाइट मेयर्स आना कॉमन है। ओ हाय, योर ड्रेस लुक्स ऑलमोस्ट द सेम एज माइन, वी शुड बी फ्रेंड्स। ठीक है, इसके साथ बात करने का कोई फायदा हुआ नहीं, हमें कोई छुपने का जगह चाहिए जहाँ पर हम लोग छुप सकते हैं। टेबल के नीचे छुपना बहुत फालतू का आइडिया है, हमें पता है, क्योंकि हम लोगों ने टेबल के नीचे छुप के पकड़े गए थे। अब देखते हैं कहाँ पर हम लोग छुप सकते हैं। ये बंदा कौन है मुझे नहीं पता, जो कि हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। देयर इज माई गर्ल, मेड एनी फ्रेंड्स टूडे? आई डोंट नो, पर फिर भी हम लोग अब चलते हैं। मुझे छुपना पड़ेगा क्योंकि एक कैट जो है हमारे पीछे पड़ा है। ये लोग अभी भी बात कर रहे हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। दिस प्लेस सक्स, द कॉस्ट्यूम्स अनइवन कन्विंसिंग, आई वॉच द रैट फ्रॉम बिहाइंड एज ए टेल्ड हिज हेड फॉरवर्ड एंड यू कुड सी दी हिज बिग मेटल जिपर लॉक थिंग बिहाइंड हिज नेक। ठीक है, आई थिंक इट वॉज देयर टू कीप हिज हेड फॉलिंग ऑफ एंड सर्च। ओ माई गॉड, मतलब वो इट लुक प्रीटी अनकम्फर्टेबल टू वेयर, स्टफ लाइक दैट टोटली ब्रेक्स द एटमोसफियर। एक सेकेंड, इसका क्या मतलब है कि हम लोग मतलब उसका हेड कभी भी गिर सकता है। हाइड इन द क्लॉसेट, तो हम लोग क्लॉसेट में छुप जाते हैं, हेडफोन को हम लोग उतार लेते हैं क्योंकि मुझे पता है क्या होने वाला है। आई होप, हाँ मुझे पता था ये होने वाला है। हे नाइस ट्राई। तो ये शायद कॉस्ट्यूम के अंदर कोई इंसान है जो कि हमें डर रहा है, पर पता नहीं कौन है, क्योंकि उसने कहा था इसका हेड कभी भी गिर सकता है, जो कि लॉक्ड करा गया है किसी चीज़ के साथ। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल में है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।